हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ड। हम कर रहे हैं 100 डेज 100 प्रोग्राम की सीरीज। आज है डे 13। आज के वीडियो में हम करेंगे इस पैटर्न को प्रिंट कराने का प्रोग्राम। इस पैटर्न में हमारा कैपिटल अल्फाबेट दिया गया है ए, देन दूसरे रो में बी, देन सी, देन डी, देन ई। यहाँ पे देखिए हमारे 5 रो हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड पहले रो में 1 वैल्यू, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फोर्थ में 4 एंड फिफ्थ में हमारे 5 हमारे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट किए गए हैं। तो चलिए अब इसके सी प्रोग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिख लिया, दो इंटीजर टाइप के वैल्यू आई एंड जे ले लिए, आई रो के लिए, जे कॉलम के लिए। इसके बाद कैरेक्टर टाइप का हमने यहाँ पे एक इनपुट लिया है और अल्फाबेट की वैल्यू को एक कैरेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे है, तो इसको हमने सिंगल कोट के अंदर ए स्टोर करा दिया। फिर इनपुट की वैल्यू को इंटर कर लेंगे। इसके बाद हमने आई वाला लूप चलाया है 1 से लेकर के इनपुट माइनस ए प्लस 1। इनपुट की वैल्यू सपोज करिए अगर हमने यहाँ पे ई किया है तो ये ई माइनस ए करेगा। इट मीन्स ए की आस की वैल्यू 65 होती है एंड ई की हमारी आस की वैल्यू जो होगी वो 69 हो जाएगी। तो 69 माइनस 65 प्लस 1, इट मीन्स हमारे ये 1 से लेकर के 5 तक हमारा ये लूप चलेगा। और हमने जे वाला जो लूप चलाया है वो 1 से लेकर के आई तक चलाया है। आई की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरीके से आएगी। फिर यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट किया है। तो अल्फ़ाबेट सबसे पहले जब ये इनपुट की वैल्यू अगर हमने ई किया है तो 1 से 5 तक ये लूप चलेगा और ये 1 से 1 और ये 1 से 1 तक चलेगा। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए प्रिंट कर जाएगा, फिर हमारी अल्फ़ाबेट की वैल्यू बढ़ जाएगी यानी अल्फ़ाबेट की वैल्यू हमारी बी हो जाएगी। देन दूसरी बार जब हमारा 2 टाइम लूप चलेगा तो ये हमारा बी भी प्रिंट करेगा। इस तरीके से नेक्स्ट टाइम सी सी सी, देन हमारा 4 टाइम डी, देन 5 टाइम ई और लास्ट में जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा बाहर निकल जाएगा और ये हमारा पैटर्न प्रिंट होके आ जाएगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को सी कंपाइलर पर रन करके देख लेते हैं। हो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं डे 14 में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।